गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चन सेक थर्ड एंड फोर्थ। जो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ है एक्सरसाइज में, उसके जो आंसर हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको इसका आंसर करना है। बुक में इसको मार्क कर लेना आप, और अपनी कॉपी में राइट भी करना है, और इसको लर्न भी करना है। हमारा जो लेसन है वो कल कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट लेसन, ठीक है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, एक बार देख लेते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन है। द सन राइजेज 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचिज शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले जो है सूर्य उदय होता है, लेकिन जो हमारी घड़ी है पूरे देश में वो एक ही समय बताती है, ठीक है, एक ही समय बताएगी पूरे देश में, तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसमें कहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ओके स्टूडेंट, तो मार्क करना आपने यहाँ से, ये जो पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। द लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। यानी कि दोनों अक्षांश और देशांतर, दोनों जो रेखाएं हैं उनका विस्तार जो हमारे देश में कितना है, लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ नीचे तक इसमें लेके आना है, ये होल कंट्री, ठीक है। इसमें बता देते हैं, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे का जो टाइम डिफरेंस है। हैंस जो है टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये जो 82.5 डिग्री है ये हमारे देश के लगभग बीचों बीच निकलती है, ठीक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से भी और गुजरात से भी इसकी दूरी समान है, इसलिए ये बीचों बीच निकलती है। इसको जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है इंडिया की, ठीक है। और इसके ऊपर जो टाइम काउंट होता है, ठीक है, तो GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि UK में, इंग्लैंड में है, ठीक है, लंदन के पास से, तो वहाँ से लिया गया। और उसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो हमारे देश का जो टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट प्लस है। यानी कि अगर वहाँ दोपहर के 12 बजे है तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजे होंगे, ठीक है। यानी कि लंदन UK के जो टाइम है उसमें 5:30 घंटे हमें ऐड करना होगा, प्लस करना होगा, तो हमारे देश का टाइम निकलता है। तो वही टाइम यहाँ से लिया गया, ये टाइम, ठीक है, यहाँ पे 5:30 बजे माना गया, तो पूरे देश में ही 5:30 बजे उसको माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है और इसको राइट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, वाई। यानी कि जो भारत की लोकेशन है, केंद्रीय लोकेशन जो है वो कैसी है, कि इंडियन ओशन, हिंद महासागर के तरफ जो हमारा दक्षिण भाग फैला हुआ है, ठीक है, उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों, ठीक है, उसके महत्व को बताना है, सिग्निफिकेंस को, कि ऐसा क्यों है वो, कि वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आप कहाँ तक करोगे, तो शुरू से लेके आप द इंडियन लैंडमार्क से, और आप एशियन, सॉरी एशियन से आगे तक हम कर लेते हैं इसको। अगर आप कंप्लीट ही कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो पूरा पैराग्राफ है इसमें पूरी सिग्निफिकेंस, जो विशेषताएं हैं, क्यों महत्व है, सारे दिखाया गया है, बताया गया है इसमें, ठीक है। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भारत की जो सेंट्रल लोकेशन है, बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी एशिया के साथ, ठीक है। तो ये सारे कॉन्टेक्ट्स बताए गए हैं कि यूरोप के साथ भी क्लोज है, ठीक है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, तो सभी जगह पे क्या है। और इतनी जो कोस्ट लाइन है इंडिया की हिंद महासागर में, उससे ज़्यादा किसी भी देश की कोस्ट लाइन जो है उसके साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको लर्न और राइट करने हैं। थैंक यू सो मच गाइस।